लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक जीडीपी को 25.68 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी चीन की हो सकती है। रिपोर्ट में एशियाई देशों और दुनिया के बाकी बच्चे देशों के नई दिल्ली एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक जीडीपी को 25.68 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी चीन की हो सकती है। रिपोर्ट में एशियाई देशों और दुनिया के बाकी बच्चे देशों के नुकसान की भी जानकारी दी गई है। वास्तव में एडीबी ने नुकसान को तीन परिस्थितियों में बांटा है, जिसमें बेस्ट, मॉडरेट और भस्म स्थिति में नुकसान का अनुमान लगाया है। विकासशील देशों को इन कारणों से होगी हानि। एडीबी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण विकासशील देशों को घरेलू मांग में गिरावट, टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल में कमी, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग कम होने, प्रोडक्शन कम होने, सप्लाई चेन के गड़बड़ होने और बीमारियों की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी भारी असर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार हानि का अनुमान वायरस के प्रसार पर निर्भर करेगा। एहतियाती कदम उठाने की जरूरत। रिपोर्ट में ग्लोबल जीडीपी को 77 से 347 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुंचने की उम्मीद जताई है, जो कि कुल जीडीपी का 0.1 से 0.4 फीसदी होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ एहतियाती कदमों और 3 महीने में ट्रैवल बैन पर से रियायत मिलने की वजह से प्रभाव में थोड़ी कमी भी देखने को मिल सकती है। इन परिस्थितियों में नुकसान कम होने की संभावना जताई गई है। तब ग्लोबल जीडीपी को 156 अरब डॉलर यानी कुल जीडीपी का 0.2 फीसदी का नुकसान होने की उम्मीद है। एशियाई देशों को नुकसान। वहीं दूसरी ओर चीन और बाकी एशियाई देशों के आंकड़े सामने रखे गए हैं। चीन को कोरोना वायरस की वजह से 44 अरब डॉलर से लेकर 237 अरब डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी एशियाई देशों को 16 अरब डॉलर से लेकर 42 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बाकी दुनिया को 17 बिलियन डॉलर से लेकर 68 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने एडीबी ने वायरस से निपटने के लिए एशियाई देशों को 40 लाख डॉलर देने की घोषणा की थी।